समझे बिना पाया दुख अनंग समझाया वह पद नमु श्री सद्गुरु भगवन जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंग समझाया वह पद नमु श्री सद्गुरु भगवन वर्तमान इस काल में मोक्ष मार्ग बहुलो विचार करे आत्मार्थी जन कहते धर्म अगो कोई क्रिया जड़ में रहे शुष्क ज्ञान में को माने मार्ग मोक्ष का कहते वाणी में वर्ते मोहावेश में शुष्क ज्ञानी है वे वैराग्यादि सफल तब जब संग आत्म ज्ञान और हो आत्म ज्ञान की प्राप्ति है तुने दान त्याग वैराग्य में तो भूले निज भान जहां जहां जो जो योग्य है वहां समझना हो वहां वहां वैसा चरण आत्मार्थी जन वो सदगुरु चरण को त्याग दे निज पर पाए वह परमार्थ को निज पद का लीला आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण यो सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार ऐसा लक्ष्य हुए बिना उगे ना आत्म विचार सदगुरु के उपदेश बिना समझ ना आए जिन रो समझे बिना उपकार क्या क्यों समझे जिन स्वरूप अस्तित्व के जो निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं वह आधार सुपात अथवा सदगुरु ने कहा जो अवगाहन काज वे सब नित्य विचार करें करके मतांतर त्याग रोके जीव स्वच्छंद तो पावे अवश्य मोक्ष पाया ऐसे अनंत ने कहते जिन निर्दोष प्रत्यक्ष सदगुरु योग से स्वच्छंद रुकता जाए अन्य उपाय आग्रह त्यजे वरते सद्गुरु लक्ष
समकित उसको कह गए कारण बने प्रत्यक्ष। मानादिक शत्रु महा निज मत से नहीं जा, जाते सदगुरु शरण में अल्प प्रयास से जा। जो सदगुरु उपदेश से पाया केवल ज्ञान, गुरु कहे छद मस्त पर विनय करे भगवान। समझे कोई सौभाग्य असद गुरु उस विनय का लाभ जो लेते को। महामोहनीय कर्म से डूबे भव जल में हो मुमुक्षु जीव तो समझे ऐसा विचार। मतार्थी जीव तो करे उलट निर्धार, होय मतार्थी जीव तो हो विनातम लक्ष, वही मतार्थी लक्षण यहाँ कहे निर्धार। प्रमाण और समवसरणादि से थी वर्णन समझे जीन का रोक रखी निज बुद्धि। प्रत्यक्ष सदगुरु योग में वरते दृष्टि विमूढ़, असदगुरु को दृढ़ करे निज मानार्थे मूढ़। भेद में जो समझे श्रुत ज्ञान, माने निज मत वेश का आग्रह मुक्ति निदान। समझे स्वरूप नवृत्ति का करे व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ को लेने लौकिक मान। निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द में खोय, लूपे सद व्यवहार को साधन रहित हो। ज्ञान दशा पाए नहीं साधन दशा न कोय, पावे उनका संग जो वो डूबे भव में। जीव मतार्थ में निज मानाधीन जाए, पाए नहीं परमार्थ को अन्नधिकारी कहाए। नहीं कषाय उपशांतता नहीं अंतर वैराग, सरलपना न मध्यस्थता वह मतार्थी दुर्भाग्य। लक्षण कहे मतार्थी के मतार्थ दूर हो काज, अब कहूँ आत्मार्थी के आत्म अर्थ सुख साज। वहाँ मुनि पना वही सच्चे गुरु हो, बाकी कुल गुरु कल्पना में आत्मार्थी नहीं खो।
लक्ष्य सदगुरु प्राप्ति का माने परम उपकार तीन योग एकत्व से वर्ते आज्ञा धार एक हो तीन काल में परमारथ का पन तेरे उस परमार्थ को वह व्यवहार समन ऐसे विचारे अंतर से शोधे सदगुरु यो काम एक आत्मार्थ का दूजा नहीं मन रो कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भव खेद प्राणी दया वहां आत्मार्थ निवास दशा न ऐसी जब तक हो जीव बने नहीं यो मोक्ष मार्ग पावे नहीं मिटे न अंतर रो आवि जहां ऐसी दशा सदगुरु बोध सुहाय बोध से हो सुविचारणा वहां प्रगटे सुखदाय जहां प्रगटे सुविचारणा वहां प्रगटे निज ज्ञान उस ज्ञान से क्षय मोह कहो पाए पद निर्वाण उपजे वह सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाय गुरु शिष्य संवाद से षटपद यहाँ कहा आत्मा है वह नित्य है करता निज कर है भोक्ता और मोक्ष है मोक्ष उपाय सुधर षट स्थानक संक्षेप में षट दर्शन भी वे समझाने परमार्थ को कहे ज्ञानी ने ये कहे ज्ञानी ने ये दूजा भी अनुभव नहीं तभी न जीव स्वरूप अथवा देह ही आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण मिथ्या भिन्न है मानना नहीं अलग है प्रमाण यदि जो आत्मा हो ये तो जानू मैं नहीं क्यों जानू जो वो हो ये तो घटपट आदि जो तो फिर नहीं है आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय यह अंतर शंका रही समझाओ सदुपाय भासे देहाध्यास से आत्मा देह समान पर वो दोनों भिन्न है लक्षण प्रगट प्रमाण भासे देहाध्यास से आत्मा देह समान
जैसे असी और म्यान। जो दृष्टा है दृष्टि का, जो जाने है रूप, अबाध्य अनुभव जो रहे वो है जीव स्वरूप। है इंद्रिय प्रत्येक को निज निज विषय का ज्ञान, पांच इंद्रिय के विषय का पर आत्मा को भान। देह न जाने आत्मा को, जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मा की सत्ता से ही सब विप्रवर्ते जान। सर्व अवस्था के विषय न्यारा सदा रह जान, प्रगट रूप चैतन्यमय है यह सदा प्रमाण। घटपट आदि जान तू, तभी तो लेता मान, जानन हार को माने नहीं, कहिए कैसा ज्ञान। परम बुद्धि कृश देह में, स्थूल देह मतियल, देह होय जो आत्मा बने नय विकल। जड़ चेतन का भिन्न है केवल प्रकट स्वभाव, एक पना पावे नहीं तीन काल द्वय भाव। आत्मा की शंका करे आत्मा खुद ही आ, शंका को करता स्वयं अचरज यह अमा। अस्तित्व का आपने कहा प्रकार, संभव इसका होता है अंतर किया विचार। दूसरी शंका होती यहाँ आत्मा नहीं अविनाश, देह योग से उपजे देह वियोग से नाश। अथवा वस्तु क्षणिक है, क्षण क्षण पलटे जाए, इस अनुभव से भी नहीं आत्मा नित्य जान पाए। देह मात्र संयोग है और जड़ रूपी दृश, चेतन की उत्पत्ति लय किसके अनुभव वश। जिसके अनुभव वश है उत्पन्न लय का ज्ञान, वह उससे भिन्न हुए बिना होवे न कभी भी भान। देखिए वे सब अनुभव दृश, उपजे नहीं संयोग से आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। जड़ से चेतन उपजे, चेतन से जड़ होय, ऐसा अनुभव किसी को कहीं कभी ना हो। योगों से नहीं जिसकी उत्पत्ति हो, नाश न उसका किसी में भी, तभी तो नित्य सदा। क्रोधादि तरतम्यता सर्पादि में हो, पूर्व जन्म संस्कार ये जीव नित्यता हो। आत्मा द्रव्य नित्य है पर
पर्याय पलटाए। बालादि वय तीन का ज्ञान एक को हो, अथवा ज्ञान क्षणिक का जाने जानन हार। जानन हार क्षणिक नहीं, कर अनुभव निर्धार। कभी किसी भी वस्तु का होए न पूरा नाश, चेतन पाए नाश तो किसमें मिले तलाश। कर्ता जीवन कर्म का, कर्म ही करता कर्म। अथवा सहज स्वभाव या कर्म जीव का धर्म। आत्मा सदा संग और करे प्रकृति बंद। अथवा ईश्वर प्रेरणा उससे जीव बंद। तो फिर मोक्ष उपाय का समझना है तो आय। कर्म और कर्तापना तो नहीं जाए। होए न चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म। जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, देख विचार ये धर्म। जो चेतन करता नहीं, नहीं होते तो कर्म। तो फिर सहज स्वभाव नहीं और नहीं जीव धर्म। केवल होए असंग जो भासत तुझे न क्यों। असंग है परमार्थ से पर निज भान से त्यों। करता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। अथवा प्रेरक उन्हें कहीं ईश्वर दोष प्रभा। चेतन जो निज भान में करता आप स्वभाव। वर्ते नहीं निज भान में करता कर्म प्रभा। जीव कर्म करता कहो पर भोक्ता नहीं वो। क्या समझे जड़ कर्म ये फल परिणाम क्या हो। फलदाता ईश्वर कहें तो भोक्ता सिद्ध हो। ऐसा कहें ईश्वर पना, ईश्वर पना ही खो। ईश्वर सिद्ध हुए बिना जगत नियम नहीं हो। फिर शुभा शुभ कर्म का भोग्य स्थान नहीं को। भाव कर्म निज कल्पना इसलिए चेतन रूप। जीव वीर की स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धू। जहर सुधा समझे नहीं, जीव खाए फल पाए। ऐसे शुभाशुभ कर्म का भोक्ता पना समझाए। एक रंक और एक नृप ये आदि जो भी। कारण बिना न कार्य ये ही शुभाशुभ वेद।
फलदाता ईश्वर की इसमें न जरूरत हो। कर्म स्वभाव से परिण में भोग से दूर हो। ये सब भोग्य विशेष के स्थानक द्रव्य स्वभाव, गहन बात है शेष्य यह कह संक्षेप में सार। कर्ता भोक्ता जीव हो पर उसका नहीं मोक्ष, बीता काल अनंत पर वर्तमान में अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित ना पाए। जैसे शुभाशुभ कर्म पद जाने सफल प्रमाण, वैसे निवृत्ति सफलता तभी तो मोक्ष सुजान। बीता काल अनंत जो कर्म शुभाशुभ भाव, वही शुभाशुभ छेद दे उपजे मोक्ष स्वभाव। देहादिक संयोग का आत्यंतिक वियोग, सिद्ध मोक्ष शाश्वत पद में निज अनंत सुख भो। होय कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध उपाय, कर्म काल अनंत के कैसे छेद जाए। दर्शन बहुत कहे उपाय अनेक, मत सच्चा है कौन सा बने न यही विवेक। किस जाति में मोक्ष है कौन से वेश में मोक्ष, इसका निश्चय ना बने अनेक भेद हैं दो। से ऐसा जान पड़े मिले न मोक्ष उपाय, जीवादि को जान कर क्या उपकार ही पाए। पांचों उत्तर से हुआ समाधान सर्वान, समझू मोक्ष उपाय तो दय सद्भाग्य। पांचों उत्तर से हुई आत्मा विषय प्रति, होगी मोक्ष उपाय की सहज प्रतीत यरी। कर्म भाव अज्ञान है मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। जो जो कारण बंध के वही बंध के बंध, वो कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भवन। राग द्वेष अज्ञान ये मुख्य कर्म की गां, होय निवृत्ति जिससे वही मोक्ष का मार। आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहे, जिस
जिससे केवल पाइए मोक्ष पंथ की री। कर्म अनंत प्रकार के उनमें मुख्य आ, इनमें मुख्य मोहनी नाश करे कहूँ पा। कर्म मोहनी अभेद दो दर्शन चार त्रिना, हरे बोध वितरागता अचूक उपाय मां। कर्म बंध क्रोधादि को हरे क्षमादि से, प्रत्यक्ष अनुभव सब करें इसमें क्या संदेह। दर्शन का आग्रह और विकल, कहा मार्ग जो साध ले जन्म हो उसके अल। षट पद के षट प्रश्न जो पूछे करके विचार, इन पद की सर्वांगता मोक्ष मार्ग निर्धार। जाति वेश का भेद नहीं कहा मार्ग जो हो, साधे जो मुक्ति मिले इसमें भेद न को। कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भव खेद अंतर दया वह कहिए जिज्ञास। उस जिज्ञासु जीव को मिले जो सदगुरु बोध, तो पाए समकेत को वरते अंतर शो। मत दर्शन आग्रह त्यजे परते सदगुरु लक्ष, पाए शुद्ध समकेत वो जिसमें भेद न पश। वरते निज स्वभाव का अनुभव लक्ष्य प्रतीति, वृत्ति बहे निज भाव में परमारथ समके। मान समकेत हो टाले मिथ्या भास, उदय हो ये चारित्र का वीत राग पदवास। केवल निज स्वभाव का अखंड वरते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान से देह संग निर्वाण। कोटि वर्ष का स्वप्न भी जागृत हो भ्रम जाए, ऐसे विभाव अनादि का ज्ञान हो ये दूर जाए। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर, नहीं भोगता तू उनका यही धर्म का मन। इसी धर्म से मोक्ष है, तू है मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाध स्वरूप। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, दूजा कहे अब और क्या कर विचार तो पां। निश्चय सर्व ज्ञानी का यहाँ पे आके समाय, धरा मौन ये बोल कर सहज समाधि में जाए। सद्गुरु के उपदेश
देश से आया पूर्व भान, निज पद निज में पा लिया दूर हुआ ज्ञान। अनुभव निज स्वरूप का शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी और देहातीत स्वरूप, कर्ता भोक्ता कर्म का विभाव वर्ते जहां, वृत्ति बहे निज भाव में हुआ कर्ता वहां। अथवा निज परिणाम जो शुद्ध चेतना रूप, कर्ता भोक्ता उसका रहे निर्विकल्प स्वरूप, मोक्ष कहा निज शुद्धता पावे वही है पन। समझाया संक्षेप में सकल मार्ग निर्ग्रंथ। चरणों में धरूं आत्मा से सब ही, वह तो प्रभु ने ही दिया वर्तू चरणाधीन। यह देहादि आज से वर्ते प्रभु आधीन, दास दास मैं दास हूँ प्रभु का दीन। षट स्थानक समझा करके भिन्न बताए आप, ज्ञान से तलवार तक यह उपकार अमा। दर्शन षट समाए हैं इन षट स्थानक में ही, विचार कर विस्तार से संशय रहे न कोई। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं औषध विचार ध्यान। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषा, भव स्थिति आदि नाम ले छेदो नहीं आत्मा। निश्चय वाणी सुन कर साधन ना त्यागो, निश्चय रख कर लक्ष्य में साधन करते जाओ। नय निश्चय एकांत से यहाँ नहीं है कहे, एकांत से व्यवहार नहीं दोनों साथ रहे। गच्छुमत की जो कल्पना वह नहीं सदव्यवहार, भान नहीं निज रूप का वह निश्चय नहीं सार। पूर्व में ज्ञानी जो हुए वर्तमान में होंगे, काल भविष्य में मार्ग भेद नहीं को। सद्गुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण हो। उपादान का नाम ले
वो जो त्यागे निमित्त पाए नहीं सिद्धत्व को रहे भ्रांति में स्थित मुख से ज्ञान कथन करे अंतर छूटा न मोह वो पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी का द्रोह दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग होय मुमुक्षुता घट में वो ही सदा सुजाग मोह भाव क्षय हो जहां अथवा होय प्रशांत वह कहिए ज्ञानी दशा बाकी कहिए जगत है जूठनवत अथवा स्वप्न समान वह कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान स्थानक पांच विचार कर छठे में वर्ते जो पाए स्थानक पांचवा संदे ना इसमें हो देह के संग जिनकी दशा बढ़ते देहाती उन ज्ञानी के चरणों में हो वंदना गणी देह के संग जिनकी दशा बढ़ते देहाती